और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों आपको बता दूं कि पेंशन भोगी और फैमिली पेंशन भोगियों को बहुत सारे जो नियम हैं पेंशन को लेकर, फैमिली पेंशन को लेकर जो नियम में बदलाव होते हैं, नियम में परिवर्तन होता है, तो उसको उसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो उनका विभाग होता है उनको भी इन बातों की जानकारी नहीं होती है। समय समय पे क्या परिवर्तन हुआ है, सर्कुलर नियम में क्या क्या बदलाव हुआ है, इनकी जानकारी उनके डिपार्टमेंट को तो उनके डिपार्टमेंट को भी नहीं होती है, और जो कर्मचारी पेंशन भोगी या फिर फैमिली पेंशन भोगी हैं उनको भी नहीं होती है। जब पेंशन भोगी या फिर फैमिली पेंशन भोगी पेंशन को लेकर या फिर फैमिली पेंशन को लेकर अपने डिपार्टमेंट से बात करते हैं तो उनका डिपार्टमेंट कहता है कि भैया हमारे पास तो कोई सर्कुलर ही नहीं आया है कि हम आपको जानकारी दे सकें। इस प्रकार से वो टाल देते हैं। तो उनकी सारी जो है दुविधा को दूर करने के लिए पेंशन विभाग पेंशन भोगी और फैमिली पेंशन भोगियों के लिए समय समय पर जानकारी मुहैया कराती है, जिससे कि सभी पेंशन भोगियों और फैमिली पेंशन भोगियों के साथ ही साथ उनका डिपार्टमेंट भी इन बातों को जान सके, जिससे कि इन बातों को जान के पेंशन और फैमिली पेंशन भोगियों का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। तो इसके लिए समय समय पर पेंशन विभाग सभी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, फैमिली पेंशन भोगियों को जानकारी प्रोवाइड करती रहती है। दोस्तों पेंशन विभाग तो जानकारी आपको प्रोवाइड कराता है, लेकिन मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ कि क्या क्या नए रूल आए हैं, क्या क्या नियम में बदलाव हो गया है। दोस्तों आपको बता दूँ कि जो एक बार सर्कुलर जारी हो जाता है, जो एक बार नियम बना दिया जाता है, उसके बाद समय समय पे उसमें परिवर्तन भी होता है। तो जो परिवर्तन होता है वो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहता हूँ। तो आप मेरे इस काम के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हैं तो मेरी वीडियो आपको नहीं मिलेगी, और आप इन सारी जो आगे लेटेस्ट नियम में बदलाव होता है उसकी जानकारी आपको नहीं होगी। तो सो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर दोस्तों के साथ जरूर कीजिए। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि अभी हाल ही में मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कमेंट करके पूछा था कि उनकी एक अविवाहित बेटी थी, और जब उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से फैमिली पेंशन के लिए, एक उनकी मित्र की थी, तो जब उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से बात किया फैमिली पेंशन भोगी के लिए, फैमिली पेंशन के लिए अविवाहित बेटी के लिए, तो वहाँ पे उनका डिपार्टमेंट जो है, ट्रेजरी ऑफिस जो है, वो क्या जवाब दिया कि जो लड़की है उनको केवल 25 साल तक ही फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो रूल है, अभी रूल पहले ऐसा था कि जो अविवाहित बेटी है उनको 25 साल के लिए ही पेंशन, फैमिली पेंशन मिलती है, जब तक वो 25 साल पूरी नहीं कर लेती है तब तक ही फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा। लेकिन अब दोस्तों उसके बाद रूल में परिवर्तन कर दिया गया है, रूल में जो बदलाव कर दिया गया है उसकी जानकारी उनको नहीं होने से जो पेंशन भोगी हैं या फिर फैमिली पेंशन भोगी है उनको नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको रूल बताता हूँ कि क्या क्या फैमिली पेंशन को लेकर क्या क्या नियम में बदलाव कर दिया गया है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अभी से इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारी जो मेहनत है उसका फल हमको मिल जाता है, और हमको मोटिवेशन मिलती है कि आपको नई नई वीडियो, नई नई जानकारी वाली वीडियो आपको प्रोवाइड की जाए। तो वीडियो को लाइक करना आप भूलिए मत। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो फैमिली पेंशन जो है वो किनको मिलेगी और कब तक मिलेगी और कितना मिलेगा, इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे पेंशन विभाग ने बहुत ही ज़रूरी गाइडलाइन जारी की है, जो कि सभी पेंशन भोगी और फैमिली पेंशन भोगियों को जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो ध्यान से आप देखिए और अपने डिपार्टमेंट, आप जहाँ से रिटायर हुए हैं तो अपने डिपार्टमेंट को भी इसको दिखाइए, ताकि वो जो सर्कुलर में बदलाव हुआ है, नियम में बदलाव हुआ है, उससे अवगत हो सके और आपका नुकसान ना करे। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि फैमिली पेंशन जो मिलती है वो कर्मचारी डिक्रीज या कर्मचारी या पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद मिलती है। तो जो कर्मचारी या पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद जो फैमिली पेंशन मिलेगी, तो सबसे पहले उनका वाइफ का हक होता है उसके ऊपर, फैमिली पेंशन के ऊपर उनकी वाइफ का हक होता है। तो उनकी वाइफ को जो है फैमिली पेंशन प्रोवाइड की जाती है पूरे लाइफ टाइम, यानी कि जब तक उनकी वाइफ की मृत्यु नहीं होती है तब तक उनको फैमिली पेंशन प्रोवाइड की जाती है। दूसरी बात अनमैरिड बेटे, यानी कि अगर उनको अविवाहित बेटा है, मैं यहाँ पे बेटे की बात कर रहा हूँ, बेटी की नहीं, यहाँ पे बेटे की बात कर रहा हूँ, अनमैरिड सन की बात कर रहा हूँ। अगर उनको अनमैरिड सन है
तो उनको कब तक पेंशन, फैमिली पेंशन मिलेगा? बाई चांस उनकी वाइफ नहीं है, कर्मचारी या पेंशन भोगी की वाइफ नहीं है, उनका अविवाहित बेटा है, तो उनको कब तक फैमिली पेंशन मिलेगा? और ध्यान से देखिए, उनको फैमिली पेंशन मिलेगा टिल दे अटेन द एज ऑफ 25 ईयर्स। अविवाहित बेटे के केस में फैमिली पेंशन जब तक अविवाहित बेटा 25 साल का नहीं हो जाता है, 25 साल का नहीं हो जाता है तब तक उनको फैमिली पेंशन दिया जाएगा। 25 साल होने के बाद उनकी फैमिली पेंशन उनको नहीं मिलेगी अविवाहित बेटे के केस में। दूसरी चीज़ है कि जब तक बेटा मैरिड नहीं हो जाता है, यानी कि बेटा शादी नहीं कर लेता है, अगर शादी कर लेता है तो उसके बाद उनकी फैमिली पेंशन स्टॉप हो जाएगी। और उसके बाद अगर बेटा अपने जीवन यापन करने के लिए कमाने लगता है तो उनकी फैमिली पेंशन स्टॉप हो जाएगी। यानी बेटे के केस में उन बेटे की उम्र 25 साल की अगर हो जाती है तब उनकी फैमिली पेंशन को स्टॉप कर दिया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे अनमैरिड बेटी, विडो बेटी, डाइवोर्सी बेटी के लिए फैमिली पेंशन कब तक मिलेगी उसको ध्यान से देखिए। जहाँ तो आपको बता दूँ कि अनमैरिड बेटी यानी कि अविवाहित बेटी, विडो बेटी या फिर डाइवोर्सी बेटी की जो है फैमिली पेंशन उनको जब तक वो शादी नहीं कर लेती है तब तक मिलती रहेगी, या फिर जब आजीविका अपना जीवन यापन करने के लिए वो कुछ कमाती नहीं है तब तक उनको फैमिली पेंशन मिलेगी, जब कमाने लगेगी तो उनको फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी, या फिर जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक उनको फैमिली पेंशन मिलती रहेगी अनमैरिड बेटी, विडो बेटी और डाइवोर्सी बेटी को। यहाँ पे बता दूँ एक चीज़ कि इसमें जो 25 साल की जो है बाउंडेशन था वो ख़त्म कर दिया गया है। अविवाहित बेटी, विडो बेटी, डाइवोर्सी बेटी को फैमिली पेंशन मिलती रहेगी, उसमें एज का कोई भी लिमिट नहीं है। जब तक तब तक मिलेगी जब तक वो शादी नहीं कर लेती है या फिर अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ कमाने नहीं लगती है, या फिर मृत्यु तक फैमिली पेंशन उनको दी जाएगी। यहाँ पे जो जिनको बहुत सारे डाउट है पेंशन भोगी और फैमिली पेंशन भोगी को डाउट है कि 25 साल तक ही फैमिली पेंशन मिलेगी, उनका यहाँ पे भ्रम दूर कीजिए। जो अनमैरिड बेटी है, विडो बेटी है, डाइवोर्सी बेटी है, उनको लाइफ टाइम फैमिली पेंशन मिलेगी जब तक वो शादी नहीं कर लेती है या फिर कुछ अर्निंग नहीं कर लेती है। अगर अर्निंग कर लेती है या फिर शादी कर लेती है तो उस कंडीशन में उनको उनकी जो है फैमिली पेंशन स्टॉप कर दी जाएगी। और तीसरी चीज़ है कि चिल्ड्रेन सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल और फिजिकली डिजेबल। अगर बच्चा कोई कर्मचारी पेंशन भोगी का जो बच्चा है मेंटली या फिर फिजिकली रूप से डिजेबल है तो उनको फैमिली पेंशन कब तक मिलेगी? जब तक वो कुछ अर्न नहीं कर लेता है। अगर वो कुछ अर्निंग कर लेता है तो उनकी फैमिली पेंशन स्टॉप हो जाएगी। अगर अर्निंग नहीं करते हैं तो लाइफ टाइम तक फैमिली पेंशन मिलेगी जब तक वो डाई यानी कि मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते हैं तब तक। अब डिपेंडेंट पेरेंट्स को कब तक फैमिली पेंशन मिलेगी? डिपेंडेंट पेरेंट्स को भी वही नियम है कि जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक फैमिली पेंशन मिलेगी। अगर वो कुछ कमाते हैं तो उस केस में फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। इसी के साथ साथ डिपेंडेंट सिबलिंग यानी कर्मचारी या पेंशन भोगी के जो भाई बहन हैं उनको भी फैमिली पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। जब तक वे कुछ कमाने नहीं लगते हैं या फिर जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती है तब तक फैमिली पेंशन मिलेगी। अगर कुछ कमाने लगते हैं तो उस केस में उनकी फैमिली पेंशन स्टॉप हो जाएगी। दोस्तों मैंने यहाँ पे पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कब कब आपको फैमिली पेंशन मिलेगी, कितने साल तक मिलेगी, कितना उसका बाउंडेशन है। अभी दोस्तों यहाँ पे अनमैरिड, डाइवोर्सी और विडो बेटी के केस में जो एज लिमिट थी 25 साल की उसको ख़त्म कर दिया गया है। 25 साल के ऊपर भी फैमिली पेंशन प्रोवाइड की जाएगी अगर लड़की या फिर विडो की या फिर डाइवोर्सी बेटी है जो उनकी उम्र कितनी भी हो उनको फैमिली पेंशन प्रोवाइड की जाएगी जब तक वो शादी नहीं कर लेती है या फिर अर्निंग स्टार्ट नहीं कर देती है अपनी, तब तक उनको फैमिली पेंशन दिया जाएगा। शादी कर लेती है या फिर अर्निंग उनकी स्टार्ट हो जाती है तो उनकी फैमिली पेंशन उसी समय स्टॉप की कर दी जाएगी। अब जो 25 साल का जो बाउंडेशन था उसको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन लड़की के केस में, लड़की के केस में जो लड़का है तो उस केस में उनको 25 साल तक ही फैमिली पेंशन दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसको सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।